विश्व हिंदू महासंघ द्वारा मंगलवार को दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज के सभागार में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के मेधावियों को सम्मानित किया गया। विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा आयोजित समारोह में कक्षा 10 एवं 12 के लगभग 200 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरु गोरखनाथ मंदिर के कार्यकारी पुजारी महंत कमलनाथ ने छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और उनके जन मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधा कांत वर्मा ने कहा, चले चले शुभ रोशनी राधा कांत वर्मा जी से आग्रह करूंगी, माननीय मुख्य अतिथि कमलनाथ जी का स्वागत, राजीव गुप्ता जी समर्पित पदाधिकारियों का बच्चों को आशीर्वाद दिव्यांशी मिश्रा आज डीके भैया राधाकांत वर्मा जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ गोरखपुर। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके पहले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा जो है इसको बच्चों को सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन अगले वर्ष और इस वर्ष दोनों वर्ष में महाराज जी समय के अभाव में उपस्थित नहीं हो पाए। अब ये गोरखपीठ के सचिव द्वारा हो रहा है। हम बच्चों की भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और इन बच्चों को हम लोग एक मंच देते हैं, जो मंच पर अपनी भावनाओं को ये रखते हैं बच्चे, और इनके सहयोग के लिए गोरखपीठ पर किसी भी प्रकार की अगर इनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में कोई अगर दिक्कत होती है तो गोरखनाथ मंदिर पर जाकर के महाराज जी से मिल करके ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, इसकी भविष्य उज्जवल हो इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ कार्यक्रम करते हैं। कितने बच्चों को सम्मानित? 200 बच्चों को सम्मानित इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है। टारगेट हम लोग का 500 बच्चों का था, लेकिन कुछ बच्चे बाहर चले गए हैं, नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए 200 बच्चों को हम लोग इस वक्त